गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हो सारे? सब बहुत अच्छे हैं, सब घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स हमारी चल रही थी। केमिकल काइनेटिक्स के 11 लेक्चर हमने डिलीवर कर लिए हैं। आज लेके आए हम आपके लिए लेक्चर नंबर 12। तो क्लास 12, लेक्चर 12, यूनिट 3rd, है ना। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, और जो भी डेरिवेशन था, जो हमारे फॉर्मूला यूज होने थे, वो सब हमने पढ़ लिए थे ऑलरेडी। आज का जो लेक्चर है बच्चा पार्टी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़ के अगर थ्योरेटिकल पार्ट में इस यूनिट का कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, वो आज के लेक्चर में से है। और एक कल का लेक्चर जो आएगा वहाँ से, एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन। अगर आप CBSE का सिलेबस खोल के देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और अरहेनियस इक्वेशन, नाम से लिखा हुआ है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है बोर्ड में आए ना आए, आपकी किस्मत, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाता रहा तो, और मैंने आपके लिए टेस्ट बनाया या पेपर बनाया, तो आपको जरूर मिलेगा। तो आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरा नाम है मनीष कुमार और पढ़ा रहा हूँ मैं आपको केमिस्ट्री। आपकी छुट्टियां हो गई, छुट्टियों का आपका असाइनमेंट दे दिए गए हैं, सोल्व कीजिएगा फिर नोटबुक में। देखो आप छोटे बच्चे नहीं हो, 9th 10th वाले पूछते अच्छे भी लगे कि सर कहाँ करें। अरे भाई कहीं भी कर लो, A4 साइज के पेज पे कर लो। आपको अपनी सहूलियत के लिए करना, हमें क्या करना, आपसे करवा क्या, आप हमारे लिए चाहिए कहीं भी कर लो। आपको समझ में आना चाहिए कि आप जब उसको खोल के देखे तो आपको समझ में आ जाए। तो फिर नोटबुक में मत करो आप लोग, 12th क्लास है, बड़ी क्लास है, ये नोट्स बाद में काम आ सकते हैं। आप अलग से एक नोटबुक बना लो, चाहे वो रफ रजिस्टर बना लो, लेकिन एक होता है रफ वर्क की काट दिया, ऐसे कर दिया, क्रॉस कर दिया। फेयर नोटबुक का मतलब होता है कि व्हाइट पेज या ब्लैक पेज नहीं, फेयर का मतलब होता है बिल्कुल रूटीन, नीट एंड क्लीन लिखा हुआ। तो आप चाहे 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला वो रफ रजिस्टर लगा लो, लेकिन उसको नीट एंड क्लीन फॉर्म में उसको असाइनमेंट को सोल्व करना है। प्रॉब्लम हुई तो हम आपके पास ही, आप प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो शुरू करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है मनीष कुमार, फिर से बता रहा हूँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। आपको एक टास्क दिया था 1000 सब्सक्राइब करने का, आप लोगों ने पूरा नहीं किया है, मुझे लगता है शुरू ही नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ ने नहीं किया। तो जितनी जल्दी करोगे, छुट्टियाँ आपकी हो गई, लेकिन मेरी ये है कि भाई सिलेबस है बड़ा, कहने को छुट्टी मना लेते हैं, अभी मैं भी छुट्टी मना लूंगा, आपको नहीं दूंगा, लेकिन उसमें क्या आएगी, जब टाइम बचेगा मेरे पास 4 महीने, उसमें हमने सिलेबस भी पूरा करना है, आपको प्रैक्टिकल्स एग्जाम भी देने हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, यूटी भी देने हैं, प्री बोर्ड देना, बहुत कम टाइम है आपके पास। इसलिए मैं आपको अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ी सी स्पीड कम कर देंगे, लेकिन मैं अपना सिलेबस जारी रखूंगा ताकि आप पे एकदम से कोई किसी तरह का बर्डन ना आए जब आप स्कूल दोबारा खुले और स्कूल में आओ। तो बच्चों आज का लेक्चर का जो हेडिंग देंगे, हम देंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। क्या देंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन। काफी बच्चों को राइटिंग से प्रॉब्लम होती होगी, बोलते नहीं होंगे। देखो बच्चों, राइटिंग आप लोग सुधारो, मुझे जरूरत नहीं है, अभी कोशिश करता हूँ मैं अच्छा लिखने के, लेकिन अगर मैं स्पीड से ना लिखूँ, धीरे धीरे लिखूँ, तो वही बात है, लेक्चर जो 20 मिनट में खत्म होना चाहिए वो मेरी राइटिंग सुधारने के चक्कर में 30 मिनट का होगा, आपको ज़्यादा देर इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आपके समझ में आना चाहिए, अच्छी है बुरी है जो भी है, हमने पेपर दे लिए, पास हो गए हैं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो बच्चों, कोई भी रिएक्शन होती है, टेम्परेचर जब प्रोवाइड करते हैं क्या होता है, मोलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी होती है वो उनकी बढ़ती है, जैसे टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक बात सभी को क्लियर कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, लेकिन ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि बढ़ गया, कितना बढ़ा क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली के लिए हमने एक जो पढ़ना है वो पढ़ना है टेम्परेचर कोफिशियंट। वो समझो एक बार होता क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट का एक आपको कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। उसमें कहा गया कि मान लो एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, और ये प्रोडक्ट बना रही है सी, और जब इनको मिला रही है, हो रही है 1 सेकंड 2 सेकंड में हो रही है ये, 2 सेकंड के अंदर ए और बी को जब मिलाया हमने तो सी बना दिया।
और ये है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, पहला केस ऑब्जर्वेशन देखना टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है। दूसरा केस, अब इसी ए और बी को हमने रिएक्ट कराया और ये सी बना रहा है, और अब ये बना रहा है 1 सेकंड के अंदर, लेकिन अब टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री सेल्सियस। देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ए भी वही है, बी भी वही है, सी भी वही है, हमने रिएक्शन कराई हम भी वही है, सारी जो रिएक्शन कंडीशन है सेम है, एक्सेप्ट वन, किसको छोड़ के, ये 25 डिग्री है टेम्परेचर, ये 35 डिग्री है, मतलब यहाँ मान लो ये टी डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ कितना है टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ये फर्क है। इसका फर्क देखो रेट भी क्या पड़ा, जो रिएक्शन पहले 2 सेकंड में हो रही थी, जैसे हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, ये रिएक्शन 1 सेकंड में हो गई, मतलब डबल हो गई। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया गया कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, होमोजीनियस टाइप की कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ना हो बसरते, उसमें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे टेम्परेचर, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, हम डबल पढ़ते हैं। तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में याद रखनी है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शंस गेट डबल्स। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा तो टाइम कंज्यूम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो पहले 2 सेकंड में हो रही थी वो 1 सेकंड में होगी। चलो अब बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट की। तो इसलिए टेम्परेचर जो कोफिशियंट है उसको बोला गया कि भाई मान लो कोई रिएक्शन हो रही है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे और कोई रिएक्शन हो रही है 35 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो टेम्परेचर कोफिशियंट का दिया गया कि जो वैल्यू आएगी, इनका रेशियो आएगा कि जो हमारा टेम्परेचर होगा 35 डिग्री टाइम उस पे, कि ये देखो मान लो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय के टी डिग्री सेल्सियस, जो ये एक रेशियो आएगा हमारे पास, इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशियंट, कि इसका 10 डिग्री सेल्सियस प्लस करने का और 10 डिग्री के बिना का जो रेशियो आएगा हमारा, उसको कहेंगे हम टेम्परेचर कोफिशियंट। या इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो देखो एक बार लिख लो, फिर से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये समझ में आया? अब देखो टेम्परेचर कोफिशियंट की डेफिनेशन लिख लो, कई बार पूछ लिया जाता है। हाँ, टेम्परेचर कोफिशियंट की डेफिनेशन में आप लिखोगे, देखो टेम्परेचर कोफिशियंट में भी डिफाइंड है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, एज द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन, और किस किस पे ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। भाई दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर जो रेशियो आएगा रेट कॉन्स्टेंट का, उसको क्या कहेंगे हम टेम्परेचर कोफिशियंट, और सेपरेटेड बाय टेम्परेचर, सेपरेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। दो कोई भी टेम्परेचर लेंगे जिनके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा, तो उसमें उनके जो रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो आएगा उसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है भाई। एंड गिवन एज इट मे बी गिवन एज, कैसे दिया है भाई टेम्परेचर कोफिशियंट, लिखो टेम्परेचर कोफिशियंट इज इक्वल टू, कैसे क्या लिखोगे, क्या बोला है कि 10 डिग्री से सेपरेट कर दो और उनके रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो ले लो। तो मान ले हमारे पास ये के है, जब 10 डिग्री प्लस करके हमारा टेम्परेचर, और ये हमारा के, और जब टी है नॉर्मल, तो ये जो रेशियो आएगा इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशियंट। ये रेट कॉन्स्टेंट है जब टी प्लस 10 है हमारा टेम्परेचर, और ये रेट कॉन्स्टेंट है जब हमारा टेम्परेचर केवल टी है, तो इसको बोलेंगे रेट कॉन्स्टेंट। और जनरली क्या होता है, इसकी वैल्यू जनरली 2 होती है, जनरली, हमेशा नहीं है भाई, जनरली 2 होती है। तो इस तरह से हमने डिपेंडेंस ऑफ रेट कॉन्स्टेंट पढ़ा कि टेम्परेचर का क्या क्या डिपेंडेंस है रेट कॉन्स्टेंट। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई बच्चों,
कि मान लो आप कोई 10 डिग्री की बजाय कहे कि भाई टोटल का 2% है, 5%, मतलब आपको कोई क्वांटिटेटिव डाटा अगर दे दिया जाए 10% के अलावा, तो वहां पे समस्या आ गई, तो लिमिटेशन आ गई कि भाई यार इसको तो हम करके और एग्जैक्ट आंसर्स निकाल नहीं सकते हर एक के लिए, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। तो अब क्या करें, तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक साइंटिस्ट है, अरेनियस नाम सुना होगा। उसके अलावा इसकी एक और था कि अप्रोक्सीमेशन मेथड था, ये एग्जैक्ट नहीं था, ये देखो ये अप्रोक्सीमेशन का साइन लगेगा यहाँ पे कि अप्रोक्सीमेशन दो हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट हम यहाँ से कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते थे टेम्परेचर कोफिशियंट से, हम रेट कॉन्स्टेंट का जो भी डिपेंडेंस है। अब आया अरेनियस एक साइंटिस्ट, वो बोले यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चलो कुछ क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करने के लिए कि एग्जैक्ट कुछ देते हैं, डेरिवेशन बना के एक रिलेशन निकालते हैं जिसमें हमारे पास टेम्परेचर का और रेट ऑफ रिएक्शन का कोई ऐसा स्ट्रेट रिलेशन हो जिससे कि हम उसकी कैलकुलेशन इजी और एक्यूरेट कर सके। तो वही आए हमारे साइंटिस्ट, क्या है, अरहेनियस। और अब जो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशियंट में बस उतना ही पढ़ना है कि 10 डिग्री राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है जनरली, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट। लेकिन इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है बच्चों, बुक में अलग अलग दे रखे हैं काफी सारे, आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, जो डेरिवेशन मैं बोर्ड पे आज कराऊंगा आप वो करेंगे वो ही करना, क्योंकि अगर बुक्स में भटकोगे तो आपको कुछ कुछ मिलेगा ना समझ पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का टॉपिक भी है, तो वहां से कुछ एक बुक्स ने हायर लेवल की बुक्स से सीधा कॉपी कर रखा है, हो सकता है आप रट लो तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा इजी करके इस डेरिवेशन को थोड़ा सा सरल करके आपके लिए करा रहा हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा सा यहीं से कॉपी करके यहीं से प्रैक्टिस करना, इधर उधर मत भटकना, जब हम करा रहे हैं तो क्यों जाना इधर उधर। चलो देखो, अरेनियस थ्योरी एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हेडिंग डालेंगे अरेनियस थ्योरी, लिखो पहले ARRHENIUS, अरेनियस थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो भाई क्या हुआ, एक हमारे साइंटिस्ट थे कि वेंट ऑफ, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी वेंट ऑफ ने, देखो बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है और फैन कूलर कुछ ऑन नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको साउंड प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बार बार हाँ थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। अरेनियस थ्योरी, वेंट ऑफ एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक रिलेशन दिया था भाई, वेंट ऑफ ने एक रिएक्शन दिया था वो हमने रखना है याद, उन्होंने दिया था ये लिख लेना इधर अलग से, आपने अगर 11th क्लास में ढंग से पढ़ा होगा तो वेंट हॉफ नाम का एक साइंटिस्ट का रिलेशन आया होगा आपके पास, उसने ये कहा था कि डी एल एन के सी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल ई बाई आर टी स्क्वेयर। भाई ये सारी कहानी इस डेरिवेशन के ऊपर चलेगी, वेंट ऑफ डेरिवेशन, वेंट ऑफ का रिलेशन था ये यूज करेंगे, अरेंज थ्योरी दी थी। तो बच्चों देखो, कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, कोई भी रिएक्शन का होने का कोज क्या है, कोई भी रिएक्शन होती है भाई, रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो वो कोलाइड करते हैं तब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। तो अरेनियस ने रेट ऑफ रिएक्शन और जो टेम्परेचर है उसके बीच में एक डेरिवेशन दिया कि भाई हम किस तरह से रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। तो उसने अपनी तीन चार बातें बताई, तीन चार बातें क्या थी वो आप देखो समझो। एक तो उसने कहा कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं कर सकते, मान लो एक लड़ाई हो रही है, मान लो 100 लोगों की लड़ाई हो रही है, 100 इधर से 100 उधर से लड़ने लग गए, तो 100 के 100 ना तो इधर वाले लड़ेंगे ना उधर वाले लड़ेंगे, मरेंगे कौन, जो लड़ेंगे, तो जो ज्यादा गुस्सैल है वो सबसे आगे, जो लड़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं वो सबसे आगे जाएंगे, मरेंगे कटेंगे, इधर से भी प्रोडक्ट बन गया, मर गए, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है डेथ। जो बीच में है जो थोड़े कम गुस्सैल है वो थोड़े कम लड़ेंगे, वो जो सबसे लास्ट में जो सोचते हैं लास्ट तक की लड़ाई ना हो लेकिन वो लास्ट में जाके लड़ते हैं वो थर्ड टाइप के आ जाते हैं। तो इसी तरह रिएक्शन के अंदर कोई भी जब इनिशियली रिएक्शन होती है तो सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल कुछ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो देखो लड़ाई शुरू हो गई, इधर से 100 लोग हैं, 10 आगे इधर है, 10 आगे इधर है, लड़ाई हो गई, ये प्रोडक्ट बन गया। अब बोले
कि कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के अंदर मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल एक्टिव पार्ट ये कर रहे हैं। अब जो बाकी बच गए वो क्या है, वो पैसिव, उनको बोला कि पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोडक्ट बनाने में। अब ये 10-10 मर गए, हो सकता है बीच में कोई आके शांति करा दे, बिचोला आ जाए रोक दे, क्या हुआ, एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स थे वो रिएक्ट करे, प्रोडक्ट बन गया, डेथ हो गई, और ये पैसिव वाला है कि वहीं के वहीं बच गए। पहली बात कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन में, ना कि पैसिव मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी बात उसने कही कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो ऐसे टक्कर करने से नहीं है कि लड़ाई करने आ जाओ कि एक ये तलवार लेके आया, एक ये तलवार लेके आया, मार रहे हैं आपस में, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा जब तक नहीं मरेंगे। कब बनेगा प्रोडक्ट, मरेगा कब, जब ये तलवार कहाँ लगेगी, गर्दन पे लगेगी, मतलब इफेक्टिव जहां पे रिजल्ट निकले। तो उसने कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट जब मिलाएंगे, जब उनका इफेक्टिव कोलिजन होगा, हेड टू हेड कोलिजन, कि वो जहां पे लगे वहां पे जाके इफेक्ट करे। अब मान लो तलवार मार रहा है कोई एक दूसरे की तलवार पे, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, खड़े हैं दोनों, प्रोडक्ट हमारा डेथ है, तलवार के तलवार मारने से डेथ नहीं होगी। कब होगी डेथ, तलवार गर्दन पे लगेगी, पेट में लगेगी, या कहीं और लगेगी। इसे बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, कि रिएक्शन में प्रोडक्ट वो बनाएगा जो इफेक्टिव कोलिजन शो करेगा। तो ये बातें अरेनियस ने कही। तो उसके हिसाब से उसने कहा कि अब मान लो लड़ाई हो रही है, तीसरी बात देखो, समझ लो ये बुक में लिखा हुआ है कुछ कुछ, आप अपने आराम से समझो जो मैं बता रहा हूँ। लड़ाई हो रही है भाई, भयंकर लड़ाई है, 10 इधर वाला है, 10 इधर वाला है, रिएक्शन शुरू हो गई, प्रोडक्ट बन गया, मर गए, बिचौला कोई नहीं आया। अब क्या होगा, एक्टिव ये 10 वाले इधर थे, मर गए, तो जो पीछे के जो पैसिव थे ऑलरेडी, लेकिन अब क्योंकि आगे के गए, इधर वाले एक्टिव थे वो भी गए, अब ये जो अगली लेयर थी, जो पैसिव थे, जो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, अब क्योंकि जगह खाली होगी, प्रोडक्ट बन चुका है, अब कौन आएगा, अब इनका ही नंबर आएगा अल्टीमेटली, अब ये आगे आके लड़ेंगे। क्या होगा, एक्टिव और पैसिव के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, जैसे एक्टिव कम होते जाएंगे पैसिव आते रहेंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे, मतलब प्रोडक्ट जैसे जैसे फॉर्म होगा पैसिव मॉलिक्यूल्स भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। यही कहानी होती है अरेनियस की थ्योरी का, जो बेस था वो यही था, कहा कि केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है या रेट होता है वो इफेक्टिव कोलिजन पर डिपेंड करता है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, पैसिव और एक्टिव के अंदर एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। ये सब बातें कहकर अरेनियस ने एक डेरिवेशन देने की कोशिश की, और उसने कहा कि जब ये बात हमें पता था कि टेम्परेचर जब रेज होता है, टेम्परेचर मान लो लड़ाई हो रही है, 10-10 लोग लड़ रहे हैं, किसी ने आके और भड़का दिया, जो बीच वाले पैसे थे, हो सकता है उनका भी गुस्सा किसी ने भड़का दिया, इधर से भी क्या हुआ, मतलब एक तरह से टेम्परेचर दिया, किसी ने हीट दी, किसी ने गुस्सा लगाया, तो आग लगाई, तो क्या आया, वो जो पैसे थे वो और पांच आगे आगे, नहीं हम भी लड़ेंगे। ये क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब पहले 10 थे, किसी ने टेम्परेचर बढ़ाया, आग लगाई, वो 10 के बजाय 15 हो गए, 15 लड़े, 15 मरे, प्रोडक्ट बढ़ गया हमारा। ये कहानी होती है एक्टिव मॉलिक्यूल और पैसिव मॉलिक्यूल की, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने की। तो आया बच्चों समझ में अरेनियस की थ्योरी का। अब देखो अरेनियस का डेरिवेशन करना हमने, यूज करना है वेंट ऑफ करिलेशन। तो मान लो एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है हमारी ए और बी, और ये सारी कहानी है क्योंकि देखो एक्टिव और पैसिव इनमें क्या है, इक्विलिब्रियम सेटअप है, जैसे जैसे इधर वाला है ऐसे ऐसे इधर आते हैं, मतलब जैसे जैसे एक्टिव मान लो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पैसिव बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, एम पैसिव और एक्टिव लिख लो, उल्टा लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह के एक रिएक्शन हम लेंगे, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी और ये बना रहे हैं सी प्लस डी। तो बच्चों देखो ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि ए प्लस बी ये बना रहा है पहले सी प्लस डी, इस एरो का ये नंबर वन, नंबर टू क्या हो रहा है सी प्लस डी, देखो ये एरो देखो, दूसरी सी और डी वापिस दे रहे हैं ए प्लस बी, ये दो रिएक्शन मिलके क्योंकि इक्विलिब्रियम, इसलिए हमने एक ज्वाइंट रिएक्शन लिख दी। ये एक रिएक्शन कंसीडर करो, ये मैंने आपको समझाने के लिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो जस्ट। अब देखो होगा क्या, इक्विलिब्रियम में तो इनके लिए अगर हम रेट कॉन्स्टेंट लिखेंगे, तो रेट लिखेंगे तो रेट कैसे आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखो भाई, मान लो के वन किस पे डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ए और बी पे, ए और बी पे, ऐसे लिखो रेट ऑफ बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा हुआ, नहीं बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सी और डी से ए और बी जा रहे हैं, तो इसमें क्या करेगा के टू सी और कंसेंट्रेशन ऑफ डी, दो रिएक्शन आ गए हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के वन ए प्लस बी, नहीं के वन ए इंटू बी और के टू सी इंटू डी, ये हमारे पास दो रिएक्शन आ गए। यहां से आपका अरेनियस की
रेडिएशन शुरू हो चुका है, कंसीडर इक्विलिब्रियम रिएक्शन वेयर ए एंड बी गिव सी एंड डी एंड इन इक्विलिब्रियम सी एंड डी गिव बैकवर्ड ए और बी, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हमने लिख लिया। अब देखो अगर हम यहाँ से क्या निकालें, कैसे निकाल लें, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे निकालते थे भाई कि फॉरवर्ड रिएक्शन ये तो करते थे डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में क्या है, दोनों सेम है, मान लो हमें पता है इक्विलिब्रियम, ये लिखो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम क्या है, के वन ए और बी इज इक्वल टू के टू सी और डी, इनको जो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, मान लो इधर ले आओ के वन डिवाइडेड बाय के टू, के वन डिवाइडेड बाय के टू, और उधर क्या है सी और डी डिवाइडेड बाय ए और बी। अब के वन बाय के टू क्या हुआ, ये हुआ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं के सी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया इक्विलिब्रियम का रेट का जो हमने लिखा उनके बीच में। अब देखो वेंटोव ने क्या कहा, वेंटोव ने ये कहा कि डी एल एन के सी बाई डी टी इज इक्वल डेली बाई आर टी स्क्वायर। अब इस के सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो वेंटोव फैक्टर में, करो क्या आ जाएगा डी एल एन के वन बाय के टू, के सी की जगह ये लिख दो और डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डेली बाय आर टी स्क्वायर, कर लोगे भाई याद रख, मेरे ख्याल में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो अगर इनको अलग अलग कर ले हम, क्या बताया था लोग में, अगर डिवाइडेड है डी एल एन के वन बाई के टू है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर लोग में ऐसा लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं डी एल एन के वन बाई डी टी, और अगर डिवाइड में है तो हम लेंगे माइनस का साइन, डी एल एन के टू बाई डी टी इज इक्वल टू, कर लो भाई ये इज इक्वल टू क्या आएगा डेली बाय आर टी स्क्वायर। यहां तक किसी कोई समस्या, कोई परेशानी तक ले, बिल्कुल नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया यहाँ का। अब देखो यहाँ पे हमने इसको जैसे अलग कर लिया इस वाले को, के वन बाई के टू को लॉग की फॉर्म में, एल एन की फॉर्म में, डेल ई बाई आर टी स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल ई कहाँ से आया होगा, डेल ई का मतलब क्या होगा ये बताओ मुझे आप लोग, डेल ई का मतलब क्या होगा चेंज, कि मान लो ई वन माइनस ई टू कि भाई इनिशियल में से फाइनल घटा तो वो चेंज आ जाएगा डेल ई का, है ना, तो ये होता है डेल ई। अगर मान लो इसको हम चेंज को चेंज कर दें, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इस पार्ट का अकेले का इंटीग्रेशन कर दें, और डेल ई बाई आर टी स्क्वायर को हम कैसे लिख दें कि भाई ये डेली बाय आर टी स्क्वायर है, ये कुछ ऐसे है कि डेली की जगह पुट कर दो ई वन माइनस ई टू बाय डिवाइडेड में क्या था आर टी स्क्वायर, और साथ में क्या लगाओगे अगर इंटीग्रेशन करोगे तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वन बाय आर टी स्क्वेयर माइनस ई टू बाय आर टी स्क्वेयर, ये लो, और प्लस में इसके लिए आई वन और इसके लिए एक और आई, मान लो कॉन्स्टेंट है तो आई आई वन कुछ भी हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो तो फिर इसको अब उसने क्या कहा वेंटोव ने कि जो आई है कॉन्स्टेंट इसका कोई मतलब नहीं है टेम्परेचर के साथ, आई है उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ये टेम्परेचर को कुछ नहीं कहेगा। तो इसने पूरी इक्वेशन को एक तरह से रीअरेंज किया, रीअरेंज कैसे किया आपको ये देखो, तो दो पॉइंट याद रखने पूरे डेरिवेशन में, एक तो वेंटोव इक्वेशन यहाँ पे आपको केसी की वैल्यू पुट करनी है, एक जब रीअरेंज करोगे तो इसमें कहा कि वेंटोव ने जो अपना इक्वेशन थी उसको स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, जैसे इसको इसने इसको दो में तोड़ दिया, इधर भी दो में तोड़ दिया, और इनको एक दूसरे को इक्वेट कर दिया कि ये के वन मतलब ई वन पहली रिएक्शन के लिए, ई वन के टू मतलब दूसरी के लिए, और आई ये कॉन्स्टेंट है इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे ऑन स्प्लिटिंग दिस इक्वेशन, लिखोगे आप लोग ऑन स्प्लिटिंग दिस इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा डी एल एन के वन, क्या मिलेगा डी एल एन के वन बाय डी टी इज इक्वल टू, इसको आधे वाले पार्ट को लिखो ई वन बाय आर टी स्क्वेयर प्लस आई, और दूसरा क्या मिलेगा हमारे पास डी एल एन के टी बाय डी टी इज इक्वल टू ई टी बाय आर टी स्क्वायर, फिर से वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
और आई का कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि आई का हमारा टेम्परेचर से कोई वो है नहीं रिलेशन, तो हम आई को इग्नोर भी कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है भाई। चलो अब इनको अगर हम कर लें सोल्व करें तो आई को हटा दो, हटा दिया है ना, आई को हमने हटा दिया। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे, एल एन के वन और इधर है ना ये डी टी, इनको देखो फिर से रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट होगी इसमें सारी, दरअसल ये मैथमेटिकल हमारा एक तरह से इक्वेशन, फिर से एक रीअरेंजमेंट होगी, आई हमने हटा दिया है और इंटीग्रेशन करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी और डी टी हमने हटाना पड़ेगा भाई, डी और डी टी हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इनका डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन लिखना है दोनों का, ऑन इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन मैथ्स में सीखोगे तो आपको आएगा कि कैसे हुआ, अभी मैं बताने लग गया तो 40 मिनट आपको मुझे इंटीग्रेशन समझाना पड़ेगा कि डी वाई डी टी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन के वन बचेगा और यहाँ पे इनके साथ करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, फिर से एक और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो आप डायरेक्ट लिख लो कि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये डी वाई डी टी खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या एल एन के वन इज इक्वल टू, इधर डी वाई डी टी खत्म हो गया ऑन इंटीग्रेशन, एल एन के वन इज इक्वल टू इधर ई वन वाई आर टी, ई वन बाय आर टी और साथ में एक कॉन्स्टेंट आया ए, आर टी आया टेम्परेचर का, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, दूसरा आया इधर एल एन के टू और यहाँ पे आया ई टू बाय आर टी और प्लस में एक कॉन्स्टेंट आया ए, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। अब इसका जब लोग हटाएंगे एल एन हटाएंगे, कभी भी अगर एल एन हटाना हो, मान लो आपको दिया हो गई एल एन ए इज इक्वल टू 3/2a, अगर एल एन हटाना तो आप एल एन हटा के इस सारे को e की फॉर्म में ले जाओ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ये आपका a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ एल एन हटाना हो तो क्या करेंगे हम, k1 is equal to एल एन हटा के लिखो, एक इसका इंटीग्रेशन एक इसका इंटीग्रेशन, भाई ये बच्चों कहानी थोड़ी सी इंटीग्रेशन की है, आप याद करो इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका जब सोल्व करेंगे एल एन हटा के तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और इसको जब करेंगे तो यहाँ आएगा के टू इज इक्वल टू माइनस ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये लो केमिस्ट्री का इसमें अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है, डेरिवेशन है रिएक्शन हमने वहाँ से किए शुरू, लेकिन यहाँ पे आपको कहानी इंटीग्रेशन की है, अगर पढ़ लो ट्वेल्थ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये चार स्टेप आपको याद रखने हैं, चार भी नहीं दो ही याद कर लो, दूसरे दो तो आप बना लोगे, किसका अगर ये आया तो इसका यही आएगा, किसका अगर ये आया तो इसका ही आएगा, तो यहाँ से दो आ गई, अब इन दोनों को उसने जनरलाइज कर दिया कि देखो के वन के लिए ये ई वन लिखो, के वन के लिए उसने कहा कि ई वन और के टू के लिए उसने कहा ई टू, के वन के लिए ई वन के टू के लिए उसने कहा ई टू, तो इसने इन दोनों को कहा कि इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक ओवरऑल रिलेशन बन रहा है ई की फॉर्म में, और वो क्या बन रहा है, वो उसने क्या दिया, और उसी को कहते हैं अरेंजिस इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म आई उसको कहते हैं ई ए, और इसको नाम दिया गया एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी शुरू हुई, आपके बुक में एक्टिवेशन एनर्जी पहले दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल में अरेंजिस इक्वेशन आई फिर वहां से एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, जो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, हर एक रिएक्शन की एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसके बाद ही वो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाती है। तो ये डेरिवेशन, ये रिजल्ट आएगा अरेंजिस इक्वेशन का, क्वेश्चन कई बार आता है यहाँ पे ए जो है इस पे ए पे आता है कि ए क्या है, तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए इज इक्वल टू लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या दूसरा नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्या नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी, वहां पे हमने जब मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कितनी वेव्स एक सेकंड के अंदर वाइब्रेट करते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि भाई कितना अमाउंट है ना, कि एक लीटर के अंदर कितने कोलिजन हो रहा है, लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए का मतलब होता है इट गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पर लीटर,
एक सेकंड में 1 लीटर में कितने कोलिजन हो रहे हैं बाइनरी दो के, हेड टू हेड दो के कोलिजन कितने हो रहे हैं, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, डिनोट करेंगे इसे। क्या है कि 1 लीटर उसमें हमारे रिएक्टेंट में 1 सेकंड में कितने हेड टू हेड बाइनरी कोलिजन हो रहे हैं, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए से डिनोट करेंगे। ये हमारा रेनियस इक्वेशन का वो आएगा डेरिवेशन, और यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, अगला लेक्चर एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा होने वाला है। तो बच्चों छुट्टियों में आराम से पढ़ो, मैं चाहता हूँ आप केमिस्ट्री को बिल्कुल छुट्टियों में, फिजिकल केमिस्ट्री, हम केमिकल काइनेटिक्स तो हमारी ऑलरेडी हो ही गई, सरफेस केमिस्ट्री को और उड़ाएंगे। हाँ आज होगी 8 तारीख, तो 9, 10, 11 तक तारीख तक आपके केमिकल काइनेटिक्स खत्म, अगले 10 दिन में सरफेस केमिस्ट्री और फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, 2 यूनिट मेरी उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी इस मंथ में हमारी खत्म हो जाए, 2 और मतलब हमारी टोटल 5 यूनिट हो जाएगी। सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 दिन का है, मैं करा दूंगा। तो अगर इतना हम कर पाए तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन केमिस्ट्री की तरफ से ना आप पे रहेगा ना मुझ पे रहेगा, अदरवाइज फिर वही है, हमें तो 4 दिन में भी करानी आती है यूनिट, और 40 दिन में भी, मैं सोच रहा हूँ 40 दिन में हो जाए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहे, अदरवाइज बोर्ड के आ गया नोटिफिकेशन, इतनी तारीख का पेपर है तो उसके बाद उसी स्पीड में लग जाएंगे, ये बातें हो सकता है नहीं भी बताएं, कुछ एक सीधे आपको कहेंगे डेरिवेशन रटना है, तो आपकी सहूलियत के लिए कर रहे हैं। हमारा आपका हमारे प्रति अब काम क्या है, मेरे प्रति आपका ड्यूटी क्या है कि इन चीज़ों को जो मैं कर रहा हूँ इससे कुछ मुझे मॉरल बूस्ट करने के लिए, आप जो हमारा टास्क था 1000 सब्सक्राइबर का अभी विद इन 25 डेज, आप कोशिश कीजिएगा ना हो जितने, लेकिन एटलीस्ट सभी बच्चे कोशिश करें, ज़्यादा नहीं है 25-30 बच्चे, 5-5 भी करेंगे तो 800 के आसपास पहुंच जाएंगे, कुछ हम करेंगे फिर देखेंगे। तो इस तरह से आप हमारा मॉरल बूस्ट करते रहिए और साथ में ये सब पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लास्ट में आपको मैं नोट्स PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपने पर्सनल बनाओगे ज़्यादा अच्छे हैं, किसी का कहीं छूट जाएगा तो मैं आपको PDF दे दूंगा जहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने नोट्स आप कंटिन्यू रखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक्टिवेशन एनर्जी लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।